Hello, my dear students, welcome to mathematics class. Dear students, we are doing unit 8 quadrilaterals of your NCRT book. In my previous video, I taught you the midpoint theorem, the statement and its proof. In that theorem, we learnt that if a line is passing through the midpoints of two sides of a triangle, then that line is parallel to the third side. But now, in converse of midpoint theorem, let us see. So first of all the theorem number is eight point ten and it is given on one hundred forty eight page at the bottom of midpoint theorem it is given to us and its statement says that the line drawn through the midpoint of one side. Now in the midpoint theorem midpoints of two sides one those sides ke midpoint the midpoint of one side of a triangle parallel to another. Now in this case parallel is given to us bisects the third side. ये जो मिड पॉइंट हमें है ये हमें प्रूव करना है सो वॉट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू थ्योरम्स इज मिड पॉइंट थ्योरम में बेटा क्या होता है हमें ये दोनों मिड पॉइंट गिवन होते हैं और ये भी मिड पॉइंट होता है दिस इज मिड पॉइंट और एफ पॉइंट भी मिड पॉइंट होता है बट इन दिस हमें सिर्फ एक मिड पॉइंट दे रखा है और इसे हमें प्रूव करना है वहाँ हमें पैरलर लाइन्स प्रूव करनी थी यहाँ हमें पैरल लाइन गिवन है तो बेसिकली टोटल थ्री थिंग्स आर देयर ई इज द मिड पॉइंट एफ इज द मिड पॉइंट एंड ई एफ इज पैरल टू बी सी सो आउट ऑफ द थ्री थिंग्स मिड पॉइंट थ्योरम में हमें दो मिड पॉइंट गिवन थे पैरल लाइन्स प्रूव की कन्वर्ट ऑफ मिड पॉइंट में हमें एक मिड पॉइंट गिवन है पैरल लाइन्स गिवन है हमें दिखाना है कि एफ पॉइंट बाइसेक्ट्स ए सी मीन्स ये दोनों पार्ट इक्वल है मीन्स एफ इज द मिड पॉइंट तो हेयर इज द स्टेटमेंट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरल टू अनदर साइड बायसेक्ट द थर्ड साइड के एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एक मिड पॉइंट से मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरल टू अनदर साइड ये जो लाइन है ये पैरल है किसी और दूसरी साइड के बायसेक्ट द थर्ड साइड बायसे मीन्स तीसरी साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं So, first of all what is given to us E is the midpoint that means AE is equal to EB and EF is parallel to BC. Then what we have to prove F is the midpoint of AC F or F bisects AC that means we have to prove AF upon is equal to FC. Construction karenge as we have done for midpoint theorem we will uh, make the construction same construction for this theorem also. थ्रू सी दिस पॉइंट ड्रॉ अ लाइन सी एम पैरल टू ए बी एंड प्रोड्यूस ई एफ टू मीट सी एम लाइन एट डी तो ये दोनों लाइन्स पैरल हैं तो अब हम क्या करेंगे हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल हैं अगर हम इन्हें कॉन्ड्रेंट प्रूव कर दें वी विल प्रूव दैम कॉन्ड्रेंट तो बाई सी पी सी टी ए ए एफ इज इक्वल टू एफ सी आ जाएगा दैट मीन्स एफ बाई सेक्सेस तो लेकिन बट टू प्रूव दैम कॉन्ड्रेंट वी आर नॉट हैविंग इनफ थिंग्स टू प्रूफ हमारे पास ऐसे नहीं हैं हमारे पास एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और हमारे पास ये ऑल्टरनेट इंटीरियर या फिर ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है बट ट्रिपल ए प्रॉपर्टी इज नॉट देयर ट्रिपल ए नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है फॉर कॉन्वेंट ट्राइंगल्स तो इस दैट्स वाई वी हैव डन दिस कंस्ट्रक्शन नाउ प्रूफ में एज ई एफ ई एफ इज पैरल टू बी सी हमें दे रखा है ई एफ इज पैरल टू बी सी अगर किसी एक लाइन का एक पार्ट पैरल है तो वो पूरी की पूरी लाइन भी क्या होगी पैरल सो एज़ ई एफ इज़ पैरल टू बी सी देयर फोर ई डी इज़ ऑल्सो पैरल टू सी ई डी इज़ पैरल टू बी सी अब साथ में बाय कंस्ट्रक्शन ये लाइन इसके पैरल है तो हम लिख सकते हैं ई बी इज़ पैरल टू सी डी ऑल्सो तो ई बी लाइन ई बी लाइन इसके पैरले है और ई डी लाइन बी सी के सो वी कैन से दैट ई बी सी डी कॉर्ड्रोलेट्रल इज़ अ पैरलेलोग्राम सो हम लिख देंगे फ्रॉम वन एंड टू ई बी सी डी इज़ अ पैरलेलोग्राम एंड इफ इट इज़ अ पैरलेलोग्राम दैट मीन्स इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो ये साइड किसके इक्वल आ जाएगी इसके इक्वल आ जाएगी बट दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल टू ई तो वहाँ से क्या लिखेंगे ए ई इज़ ऑल्सो इक्वल टू सी डी पहले हमने लिखा ई बी इज इक्वल टू सी डी बट ई बी इज इक्वल टू ए ई ऑल्सो तो ई बी दोनों के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए इक्वल मीन्स दिस लाइन हैज़ बिकम इक्वल टू दिस सो नाउ इन ट्राइंगल एफ एंड ट्राइंगल एफ सी डी सबसे पहले एंगल वन इज इक्वल टू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 is equal to 4, alternate interior angles. Then AE is equal to CD, proved above from equation 5. Therefore, by AAS, two triangles are congruent. This implies AF is equal to FC by CPCT. So this implies F bisects which line? The third side of the triangle, that is AC. Hence proved. So the proof is very easy, and it is uh, as important as the uh, as the midpoint theorem. Both the theorems are very important. So practice this theorem, my dear students. Thank you.